दोस्तों आज भारत में काफी ज्यादा शांति है। हमारा भारत देश किसी से भी लड़ाई नहीं कर रहा है। हमारे दुश्मन देश भी हमारे देश में आतंकवादी हमले नहीं कर पा रहे हैं। इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है भारत की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को, यानी रॉ को। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कुछ रॉ के सीक्रेट फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको रॉ एजेंट बनना है तो आपको कम से कम 4 भाषा आनी ही चाहिए। मेरे को तो भाई एक ही भाषा आती है। और दोस्तों इसका अगला फैक्ट पता है क्या, वो ये रॉ का एजेंट बनने के लिए आपको में बहुत ही ज्यादा अच्छा होना होगा और एकदम फिट एंड फाइन भी होना होगा। दोस्तों रॉ एजेंट की सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि रॉ एजेंट के पास हथियार नहीं होते। जेम्स बॉन्ड वाली तो छोड़ो, कैसी भी बंदूक नहीं होती है। अगर इन्हें किसी दुश्मन को मारना है ना तो ये हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वैसे इनका ज्यादातर काम ये होता है कि अपने दुश्मनों को मारने की जगह दुश्मनों को जिंदा पकड़ कर लाएं। और तो और दोस्तों रॉ एजेंट बनने के लिए आपको डिकोडिंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी अक्सर कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, इसलिए रॉ एजेंट को डिकोडिंग आनी चाहिए। इसलिए ये जो रॉ एजेंट्स होते हैं ना, ये डिकोडिंग में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। तो दोस्तों इसका अगला फैक्ट पता है क्या, वो ये रॉ एजेंट बहुत ही ज्यादा गुप्त तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिशन पर होते हैं ना, तो ये किसी को कुछ बता नहीं सकते। इनके मिशन इतने ज्यादा सीक्रेट होते हैं ना कि इनके परिवार वालों तक को भी नहीं पता होता कि भाई हमारे घर का ये मेंबर एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट है। और इनकी जवाबदेही सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपको रॉ का एजेंट बनना है तो खेल कूद में आगे रहो, फिट एंड फाइन रहो और खूब पढ़ाई करो। रॉ एजेंट बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतनी मुश्किल परीक्षा होती है ना, सिर्फ गिने चुने लोग ही पास हो पाते हैं। इसका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और अच्छा हुआ मैंने अच्छे स्कूल में और कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। मैंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना अमेरिका या यूरोप में फंस गया होता और मुझे भी कोरोना हो गया होता। तो दोस्तों छोड़िए इन बातों को, आप रॉ एजेंट बनने की तैयारी कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, एप्टीट्यूड स्किल बढ़ाइए, फिट एंड फाइन रहिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, खूब खेल कूदिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं हमारी अननोन ज्ञान से भरी अगली वीडियो।